जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली, धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगी। पंछी धुन ही सुनाई, जागो रे गई रे तुम फिर नहीं आई, भोरे भई पंछी धुन ही सुनाई, जागो रे गई रे तुम फिर नहीं आई। क्या बन रहा है किचन में? सेमिया ये बना रहे हैं आज हम, नमकीन सेमिया। और ये काट दिए शिमला मिर्च और गाजर, ये है टमाटर, ये है प्याज। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। अगर इसमें पालक होता तो और भी अच्छा होता। और मटर रख दो, बीन्स रख दो, इतना हेल्दी नाश्ता है, कम तेल में बनता ही है। और इसमें डाल दिया टमाटर, थोड़ा सा और पकाएंगे। तो उसमें सारे मसाले डाल दिए। वैसे हम जनरली सेवियाँ जो खाते हैं वो मीठा ही खाते हैं, पर नमकीन भी बना के देखिए आप, एक बार ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा पानी कम डालो तो जो नमकीन सेवैयाँ हैं वो खिली खिली बनेगी और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा पानी डाल दो और अब इसके ऊपर से सेवियाँ डाल दो। बैम्बिनो ये भुना हुआ सेमिया है ना? आई तो रोस्टेड है पहले से ही। बस ये ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। आराम से ये तो जरूर गिरता है नमक। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हेल्दी, खिला खिला भी बना है बिल्कुल। और इधर रख दिया सेमिया। उस दिन पूर्णमासी के दिन बनाया था तो थोड़ा सा बच गया था, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको भी तैयार कर दिया। तो नाश्ता तो बन गया उधर किचन में, बस ये थोड़ा सा सफाई है फर्श की। खाना चढ़ा दिया है, लौकी और चने की दाल बना दी है कुकर में, और इसमें चढ़ा दिया है चावल। अभी बाद में थोड़ी देर के बाद मैं गूंदूंगी आटा,
गैस सिमे चढ़ा दी है, ठीक है, दाल चढ़ा दी है अच्छा। और चावल भी चढ़ा दिए। हाँ, सही है। अब मैं भूल जाती हूँ तो मैं तुझे याद दिलाने के लिए, ठीक है। हाँ तो काम हो गया किचन का, तड़का लग गया। तो हमारी बन गई है दाल, ये बन गई है हमारी लौकी चने की दाल। तेज पत्ता भी डाला इसमें, ठीक है। ये मसालेदानी रख दे, तो काम तो हो गया। इसको थोड़ा उबाल आ दे, ठीक है, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, इसे बंद कर दो, ठीक है। टाइम कितना हो गया? पौने दो। हाँ चल, तू गाना सुना दिया कोई? मैं तो क्या था, तो आज इनकी पढ़ाई नहीं हो रही रात की, क्योंकि बहुत थके हुए हैं इतने दिनों से जो पढ़ाई जो कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा। वैसे भी अगला पेपर इंग्लिश का है। हाँ इंग्लिश का पेपर है, हाँ इसने कर रखा है, पहले से ही तैयारी कर रखी है। देखो ये कितनी अच्छी बात है, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की होती तो आपको आज भी पढ़ना पड़ता भी, ये अच्छी बात है। कल रिवीजन कर लेगी और बस फिर पढ़ाई इंग्लिश का आपका हो जाएगा। तो आज ये रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कल गुड नाइट दोस्तों, कल मिलें, कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।